वानिया का और मेरा, तो हम दोनों ये पहनेंगे। प्यारा है ना, मेरा और वानिया का सेम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने ईद ड्रेसेस। और हमारे घर इफ्तार था रमज़ान का जो लास्ट रोज़े थे उनमें, तो ये मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर करना था जिसमें लास्ट इफ्तार पार्टी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वैक्यूम फेर रही हूँ, मैं क्लीनिंग कर रही थी, बच्चों ने इतनी चीज़ें कारपेट पे फेंकी होती हैं, तो वेदर भी इतना अच्छा हो गया माशाल्लाह, 14-15 टेम्परेचर है और अब हम जैकेट्स के बगैर भी बाहर जा सकते हैं। और ये सारी मैं क्लीनिंग करने लगी थी, सोफ़ा मैंने क्लीन कर लिया था और अब सारा वैक्यूम फेरूंगी और किचन में टेबल वगैरह सेट करूंगी, क्योंकि वानिया लोगों के जो कज़न्स हैं वो हमारे घर आ रहे थे तो हमने इकट्ठे मिलके इफ्तार किया था। तो यहाँ पे अब मैं टेबल ओपन करूँगी, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, नाया का भी आज रोज़ है। ये देखिए छोटे से बेबी ने आज रोज़ा रखा है माशाल्लाह, चलो आइए प्यारा। ये देखिए और ये छोटा बेबी है, ये बेबीज टीवी देख रहे हैं। और मैंने सारी क्लीनिंग की है, कमरा भी सारा क्लीन किया है, ये देखें ये भी सारा क्लीन कर लिया, और वानिया लोगों का रूम भी, और यहाँ से भी। यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी, दो तीन चीज़ें भाभी ने बनानी थी, तो इस तरह हमने मिलके इफ्तार पार्टी की थी। तो यहाँ पे मैं टेबल अपना जो है खोलने लगी थी, क्योंकि हमारा किचन में जो है वो हमने ऐसा टेबल लिया था जो ओपन हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है और छोटा हो जाता है, तो ये अभी इसका छोटा वर्जन है, अभी इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया, इसमें इस तरह लगे हुए एक लगा हुआ है एक और पार्ट, तो आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, ये देखें ऐसे ये अटैच हो जाता है और ये फिर बड़ा हो जाता है जैसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो हमने बर्तन भी रखने, डिशेज भी रखनी, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इस तरह हमने टेबल लिया था और ये चेयर्स, इसमें तो मैंने वो कवर चढ़ाया है जो मैंने शीन से मंगवाए थे, तो ये टेबल भी अभी हमारा चेंज करने वाला हो गया क्योंकि काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसका जो कपड़ा मैं लेके आई थी वो भी ख़राब हो गया, अब न्यू लेके आऊँगी और साथ प्लास्टिक भी लेके आना है, बल्कि किसी ने मुझे रिकमेंड भी किया था, तो अब वो ऐसे ला कर बिछाऊँगी। तो यहाँ पे ये टेबल मैंने सेट कर लिया है और अब जल्दी से क्विक इफ्तार बना के आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल सेट हो गया है, देखें कितना प्यारा लग रहा है। और बाहर से अभी मैंने क्लीनिंग करनी है, वेदर अच्छा हो गया है तो अब आहिस्ता आहिस्ता बैकयार्ड क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैं भले बनाने लगी थी, तो ये चिकन भी मैंने रात को ही मैरिनेट कर दिया था, चिकन स्ट्रिप्स मैं बना रही हूँ, ये कुछ चिकन पड़ा था लेकिन ये मैंने यूज़ ही नहीं किया। और ये भल्ले मैं बना रही थी बेसन में, जैसे नमक मिर्च और वो डाल के ना बेकिंग सोडा और अजवाइन और इस तरह की चीज़ें, और थोड़ी सी मैंने बिरयानी भी बनानी थी बच्चों के लिए, तो ये चिकन बिरयानी का पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। भल्ले बन गए हैं और आलू वगैरह सब कुछ मैंने वो कर लिया था भल्लों के लिए रेडी, और अब यहाँ पर बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। तो बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, बहुत अच्छी बनती है, और अब ईद पे भी मैंने बिरयानी बनानी है। पहले मुझे बहुत होता था कि मेरे से बिरयानी नहीं बनती है, लेकिन अब मैं हिम्मत करके बना लेती हूँ और अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं खजूरें भी सेट कर रही हूँ क्योंकि वो लोग आने वाले थे, बहुत मज़ा आया, हम सबको बच्चों ने भी इंजॉय किया, उनके भी सब बच्चों का रोज़ा था, हमारे बच्चों का भी रोज़ा था। और यहाँ पे राफे फ्रूट खा रहा है, उसके डैडी मेरी हेल्प कर रहे हैं फ्रूट कट करने में, और ये सारा मैंने दही भल्लों का सामान रेडी कर लिया, अब इसको मैं पानी में भिगोऊंगी तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने राइस बॉयल करने हैं और ये बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो रहा है, और इधर फ्रूट कट हो रहा है। मैंने दो तरह की चाट बनाई थी, एक मैंने क्रीम चाट बनाई थी और एक दूसरी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो क्रीम चाट को फ्रूट सैलड कहते हैं और वो बहुत शौक से खाते हैं, वानिया नाया, और नाया का रोज़ा था उसने तो सिर्फ फ्रूट सैलड ही खाया, इन्हें बहुत पसंद है, तो इनको मैं बना के देती रहती हूँ, वो जो विस्प ग्रेथ मिलती है ना वो डाल के मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखे बिरयानी का कौरमा रेडी है, अब राइस बॉयल होंगे, और इधर मैं भल्ले रेडी करने लगी हूँ, और ये हो गए रेडी, अब इनको टेबल पर रखते हैं। और इतना अच्छा हमने टेबल सेट किया, पैटीज थी, चिकन ब्रेड थी, और यहाँ पे अब बिरयानी मैडम गई दम पे, और ये हो गई रेडी क्विक। और यहाँ पे ये दो तरह की चाट थी, इसमें मैंने ऑरेंज जूस डाला है और चाट मसाला और कोकोनट शुगर, इसमें मैं डालूंगी वो जो होता है क्रीम डालूंगी, और ये भाभी लेके आई थी चिकन ब्रेड, पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड टाइप था, बहुत मज़े की थी ये भी, और पैटीज थी और क्या था पकौड़े थे। और ये यहाँ पर मैंने क्रीम बीट कर ली है, और जो ये जो क्रीम है ना इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं बीट करना होता जब चाट में डालना है, क्योंकि फ्रूट के साथ
लग के ना वो गाढ़ा हो जाता है, तो पतला ही रखना है। अभी आप देखना है कितना गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला था, उससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, आप कंडेंस मिल्क डाल के इसको ट्राई करके देखना। और यहाँ चिकन ब्रेड हम रखने लगे थे ओवन में, ताकि हमने पैटीज भी करनी थी, तो वो दोनों चीज़ें टाइम पे हो जाएं। और यहाँ पे देखें मेरी क्रीम चाट भी रेडी है, और इतना मज़ा आता है ये खा के। ये तो सारी ख़त्म हो गई थी, बच्चों ने भी शौक से खाई थी और बड़ों ने भी। अब ये दो चिकन ब्रेड्स हैं, इनको रखेंगे ओवन में। और ये जो है ये मैं टेबल पे रख दूंगी, साथ साथ मैं टेबल भी सेट कर रही थी। दोनों चाट आ गई और ये आ गए दही भल्ले, आ गए रायता मैंने बना लिया था। और यहाँ पे बच्चे जो अपने कज़न के साथ खेल रहे थे, और राफी भी अपने कज़न के साथ खेल रहा है, और साथ साथ हमारा जो इफ्तार है। और अब रमज़ान भी ख़त्म हो गया है इतनी जल्दी, और इस बार रमज़ान बहुत जल्दी गुजरा है। आप लोगों को भी लगा है कि बहुत जल्दी गुजरा है। और ये समोसे जो हैं मैंने रेडीमेड लिए थे, पंजाबी समोसा देसी शॉप से मिल जाते हैं, तो ये बस इनको कर लिया था, फ्राई कर लिया था। और यहाँ पैटीज भी जो है हमारी हो रही हैं, और बिरयानी भी हो गई थी। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिरयानी की शक्ल। यहाँ पे ये देखें बिरयानी रेडी हो गई है, और अब बाकी इफ्तार रेडी करके वो दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ मैंने जो फ्रिज पे कैलेंडर लगाया था, उस पे भी राफे जो है ये लगा रहा था, इतने दिनों के इन्होंने स्टार्स लगाए नहीं हुए थे, ये भी कंप्लीट हो गया। काफी शौक से इन्होंने ना ये पूरे रमजान में ये एक्टिविटी की, और ये राफे लगा रहा है अब। मजे मजे की चीजें सामने पड़ी हो, ये खा नहीं सकते इतने प्यारे बेबी यहाँ पे हमने जो दो पैन में ऑयल डाल लिया था, ताकि जल्दी जल्दी हम सब कुछ कर लें। और यहाँ पैटीज पे भाभी लगा रही थी एग वॉश, और ये जो है इस पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। यहाँ पे ये जो चिकन है, तो इससे ये क्रिस्पी सा चिकन बन जाएगा, तो ये बहुत मजे की चिकन स्ट्रिप्स बन जाती हैं। साथ ही मैंने इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था, ये इसको दोबारा रखेंगे आप ओवन में। ये देखे कितनी अच्छी चिकन स्ट्रिप्स बन के रेडी हुई हैं, और ये चिकन ब्रेड देखे कितनी अच्छी बेक हुई है। और इसको हम कट करके ऐसे पीसीज में रख रहे थे, इसमें चीज़ भी भाभी ने डाली थी, तो जैसे पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड बन गई थी। और ये हमारा टेबल सेट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और मिंट मार्गरीटा भी मैंने बनाया था, और ये देखें पैटीज, पकौड़े, दही भल्ले, चाट दो तरह की, चिकन स्ट्रिप्स और समोसे थे, और ये सारा कुछ हमने खाया। और साथ बिरयानी थी बाद में, अगर किसी ने खानी है, लेकिन वो खाई नहीं जाती है, तो ये चीज़ें। अब यहाँ पे माशाल्लाह रोज़ा खुल गया है, और बच्चों ने खूब मज़े से माशाल्लाह इंजॉय की इफ्तारी। और ये हमारी लास्ट इफ्तार पार्टी थी, वो बहुत मज़ा आया, और बहुत हम इंजॉय किया। अब रमजान इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट ईयर, खाने की तो सबके रोज़े को कबूल करें। और ईद आप लोगों को चांद रात मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, उसका भी लोग भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पे हमने रोज़ा इफ्तार किया और बस। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं नाया के ईयर पीर्सिंग कराने, क्योंकि इसका एक मैंने पहले बनवाया था तो वो ख़राब हो गया था, उसमें से ब्लड ही नहीं यानी रुकता था, तो फिर वो मैंने इसके इयररिंग उतार दिया था। लेकिन अब इसके दूसरा कान बनाना था, एक बना हुआ था और एक नहीं। तो यहाँ पे हम ओवन पैन पे गए थे, यहाँ पे बना देते हैं। एक एक जो है वो 200 का है, और इस तरह ये देखें यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, लेकिन रिश्ता वाले में, लेकिन उसमें ना वो वीकेंड पे नहीं करते, सिर्फ वीकडेज में करते हैं। तो ये फिर मैं वीकडे में गई थी, और यहाँ नया सिलेक्ट कर रही है कि उसने कौन सा इयररिंग पहनना है, लेकिन वही सही है, फिर आपका चेंज कर लेंगे कुछ अर्से के बाद। चलो ये इनके पास काफी अच्छी चीज है। वन टू थ्री फोर फाइव। हाँ जी वो देखो मिरर, ये इधर इधर देखो कितना प्यारा है ना। हमने नाया की पेसिंग करा ली है, नाया छोटा सा बेबी। अब हम केक सजाते हैं, वहाँ पे सेल लगी है, ईद मुबारक सेल, तो वो देखते हैं।
तो नाया का आपने देखा थोड़ा सा वो रोई थी लेकिन भी ठीक हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उसका सही जा रहा है। पहले तो जो बनवाया था ना उसमें से ब्लड ही नहीं जाता था, लेकिन अब शुक्र है कि मैं केयर कर रही हूँ और उन्होंने एक स्प्रे भी दिया है जो क्लीन करके 2 दफ़ा आपने स्प्रे करना है दिन में, तो वो इसके मैं कर रही हूँ। और फिर आप शुक्र है कि ब्लड नहीं है और फिर इसका कान अल्लाह करे कि अब ठीक रहे। तो यहाँ पे ये सेल लगी हुई थी, यहाँ पे हम कुछ देख रहे थे और फिर मैं H&M आई थी। यहाँ पे मुझे कुछ लेना था, कुछ राफे की शर्ट्स और पैंट्स वगैरह मैं देख रही थी, और इनकी स्प्रिंग कलेक्शन और समर कलेक्शन भी आई हुई है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मैंने वापस करनी थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, उनका साइज नहीं ठीक था। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन मंगवा के तो किसी शॉप पे वापस कर सकते हैं, अगर आपने जो है ना ऑनलाइन नहीं वापस भेजना। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है, यानी 30 डेज आपके पास होते हैं तो आप उसमें वापस करते हैं शॉप पे जाके, ये नहीं है कि आपने उसको बाय पोस्ट भेजना है। तो ये स्पाइडरमैन वाली मैं देख रही थी, इसमें से मैंने राफे की ली भी हैं शर्ट्स को। आज इतना अच्छा वेदर है कि हमने शॉर्ट्स भी नहीं पहनी और हम लोग अब जा रहे हैं केक लेने। हमने एक ट्राइफल बनाना है ईद पे और बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं हर्ट हो रहा है यार। अब मैं आप लोगों को अपने ईद के ड्रेसेस दिखाती हूँ जो हमने पहने हैं, मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर ईद के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आज वेदर बहुत अच्छा है बाहर, ये देखें धूप निकली हुई है और शुक्र है कि सर्दी ख़त्म हो गई है। लोगों को दिखाती हूँ ईद के कपड़े, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने ईद के कपड़े। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मैंने निकाले थे सबके तो अभी वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर ईद के भी लोग मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये नाया का ड्रेस है, ये सफ़ायर का है, ये देखें इसका कलर कितना प्यारा है। कैमरे में थोड़ा सा बहुत लाइट आ रहा है लेकिन ये पर्पल है ना, लाइट पर्पल लिलैक कलर जो होता है ये वो है। तो ये नाया का ड्रेस है, इसके साथ इसकी ये दुपट्टा है और ये ट्राउज़र है ऐसे, और इसके साथ मैंने इसके इस तरह शूज़ मैच कर लिए हैं तो इस तरह ज़रा इसके अच्छे लगेंगे। और इसके पास एक खुस्सा भी है तो इन दोनों में से देख लेगी जो इसने पहनना है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस था सफ़ायर का। ये देखें उसके अलावा नाया का एक और ड्रेस है, अगर उसने चेंज करके पहनना हुआ या कोई दूसरा पहनना हुआ तो एक ये है इसका, ये J-Dot का है और ये भी बहुत प्यारा है। ये देखें ऐसे बाजू कलर्स बहुत प्यारे हैं, आगे जैसे समर आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये हो गया और ये इसके साथ ट्राउज़र और साथ इसका ये शूज़ चल जाएंगे। उसके अलावा वानिया का आपको पहले वाला दिखा देती हूँ, ये वानिया का एक ये शॉप हाउस से लिया था, ये ऐसे इसका गला बना हुआ है और ये बाजू है और ये ऐसे नीचे से ना ज़रा स्टाइल सा है इसका, इसके जो घेरा है ना उसका ज़रा इस तरह स्टाइल सा है राउंड सा, और ये है और इसके साथ दुपट्टा भी है जो भी मुझे मिल नहीं रहा वो भी ढूंढती हूँ। और ये वानिया के शूज़ हैं, ये शूज़ मैंने शीन से मंगाए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये देखें, और अंदर से भी ना सॉफ्ट हैं, वानिया को पहन के भी अच्छा लगा था और इधर से भी ऐसे बंद करने वाला है तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वानिया का एक हो गया, चेंज करके अगर उसने पहनना हुआ या ऐसे, इसके बाजू देखें कितने प्यारे, ये बहुत प्यारा है। तो ये वानिया का हो गया, उसके अलावा वानिया का दूसरा दिखाती हूँ जो कि मेरा और वानिया का सेम है, वो ये है मैरून कलर है ये देखें, और इसके ऐसे गला है, ये भी सफ़ायर का है, ये इसके बाजू हैं और वो वानिया का पड़ा हुआ, तो देखेंगे कल कैसे लगते हैं। तो इनके साथ ये वाले दुपट्टे हैं जो मैंने क्रश किए थे, अब कल ही खोलेंगे क्या निकलता है इनका। और ये इसके साथ प्लाजो टाइप है लूज सा ऐसे, क्योंकि ये शॉर्ट शर्ट है तो इसके साथ प्लाजो अच्छा लगेगा, और ये पहनना इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें ऐसे फुल बनेगी इसकी लुक,
तो इसके साथ मैं आपको शूज दिखा देती हूँ। वानिया का मैंने खुस्सा मंगवाया था पाकिस्तान से, ये देखें ऐसे, और ये अंदर से पैडीड है, बहुत सॉफ्ट है। वानिया ये पहन लेगी। था मैरून कलर में ये वाला, और मैं ये पहन लूँगी, मेरा तो एग्जैक्ट मैच हो गया है। ये देखें ये हो गया ऐसे, और ये इसका दुपट्टा। अब मैं आपको इसके साथ चूड़ियाँ दिखाती हूँ। चूड़ियाँ भी हम दोनों हाफ हाफ पहनेंगे। ये इसके साथ हो गई चूड़ियाँ, लुक कितने प्यारा बन गया। और अभी हम मेहंदी भी लगाएंगे। मेहंदी भी मैंने एक ऑर्गेनिक पेस से मंगवाई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो फिर बड़ी ईद पे आप लोग ले लें। ये देखें ये हो गई चूड़ियाँ, और ये हो गया हमारा फुल सेट वानिया का और मेरा, तो हम दोनों ये पहनेंगे। ये देखें उसके अलावा नाया की भी चूड़ियाँ हैं, ये इसकी पैक ही पड़ी हैं, इसने पहनी नहीं है, तो ये इसके पर्पल ड्रेस से मैच हो जाएंगी ये इसके साथ, तो ये इसके साथ फिर पहन लेगी बीच में से पर्पल पर्पल निकाल के ऐसे। साथ सिल्वर को ही देख लूँगी। और ये है जी राफे के शूज़, ये मैंने पिछले साल इसके मंगवाए थे लेकिन इसको बड़े थे, और अब मुझे ख्याल है कि इस साल इसको पूरे आ जाएंगे, नहीं तो ये कोई और पहन लेगा फिर। ये राफे के हैं, और एक राफे के ये मंगवाए थे ये वाले, अगर चेंज करके पहने हुए ये पहन लेगा। उसके अलावा राफे के कपड़े आपको दिखाती हूँ। ये उसकी एक पैंट है जो उसने ईद वाले दिन पहनना है, वो ये कुर्ता है ये पहनने का, और उसकी जो ट्राउज़र मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मैंने उस दिन ईद मेला से लिया है, तो वो ये है। ये पूरा सेट मैंने लिया, फिर मैंने कहा चलो वाइफ भी पहन लेगा, और ये ट्राउज़र साथ मिल गया, तो अब राफे इसके साथ वाइट ट्राउज़र पहनेगा ऐसे, साथ वाइट शूज़ क्या पहना दूंगी या देखती हूँ। और उसकी एक ये शर्ट है ये वाली, और एक ये नीचे है ये टॉमी की, तो इनमें से कोई पैंट के साथ चेंज करने के लिए पहनना हुआ तो वो पहन लेगा। और इसके डैडी का तो वो पाकिस्तानी सूट ही है, तो वो अभी मैं निकालूंगी, और सारे अभी मैंने इस्त्री करने हैं। चलें जी, अब मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, मैं आपको सब कपड़ों की लुक दिखाती हूँ इस्त्री होके, फिर पहन के ईद वाले दिन देखेंगे। तो ये है जी इनके डैडी का सूट, इस्त्री किया मैंने, ये छोटे बेबी का राफू का, ये वानिया का, मेरा वानिया का सेम है, ये मेरा इसका दुपट्टा ये इस तरह जो किया था ये देखें ये हो गया इसके दुपट्टे ऐसे, ये नाया का, नाया का तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था सेफायर से, बहुत प्यारा है। इधर से दिखाती हूँ, लाइट आएगी ये देखें इतना प्यारा है। अब मैं भी इस कलर का लूँगी कोई। उसके अलावा ये बच्चों के इस्त्री कर दिए हैं अगर बाद में उन्होंने चेंज करने हुए, और ये नाया का। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, बाय।